गुड नाइट चैनल को नाइट सब्सक्राइब करें, गुड नाइट चैनल का लाइक करें, राइटिंग अच्छी बना, ठीक है। वॉमिटिंग हुई मुझे दो बार। तो यहाँ पे अभी हमने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया है, आज ऋषिकेश रुकेंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल, दिस साइड गौरव हियर फ्रॉम उत्तराखंड वाला एक्सप्लोरर। तो दोस्तों, कल जैसे कि मैं गांव से ना औली के लिए आया था, क्योंकि मुझे देहरादून जाना था, तो कल यहीं रुका। और अभी आप देख सकते हैं ताज़ी ताज़ी बर्फ़ कितनी ज़्यादा पड़ी हुई है। तो हमारे जो प्रदीप भाई हैं, तो उनके मैं रुका था टेंट हाउस में। तो फ़िलहाल अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं, तो काफ़ी ठंडा है। अभी हमें रेडी होकर के पहले तो जोशीमठ पहुंचना है 5:30 बजे तक, फिर उसके बाद देहरादून के लिए निकलना है। तो फ़िलहाल तो मैं जो है यहाँ जोशीमठ में पहुंच चुका हूँ, गाड़ी का वेट हो रहा है, क्योंकि प्राइवेट हम गाड़ी में जा रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं। तो हम जोशीमठ से निकल चुके थे और काफ़ी लगभग 20-30 किलोमीटर बाद यहाँ पे थोड़ा सा रुके हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा जो बुलडोजर है ना, वो रास्ता साफ कर रहा है थोड़ा, इस वजह से। और ये हम पहुँच चुके हैं, चमोली क्रॉस करने वाले हैं, कर लिया है चमोली क्रॉस। उसके बाद आप देख सकते हैं जो बादल लगे हुए हैं, लग रहा है कि ऐसे कि जैसे कि जंगल जला हुआ है, बट वो बादल है, कोहरा है अभी, और उस कोहरे की वजह से बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अभी हम जो है नंदप्रयाग पहुंचने वाले हैं, और मौसम भी काफ़ी अच्छा है आज, लेकिन ठंडा सा मतलब हवा चल रही है। और मैं मानता हूं कि जो भी गवर्नमेंट थी इससे पहले, तो उन्होंने जो रोड का निर्माण कार्य किया हुआ है ना, बिल्कुल एकदम मतलब कभी देखा नहीं था। मैं काफ़ी टाइम से ट्रैवलिंग करता था, देहरादून जाता था, बट जो आज की रोड है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है दोस्तों। मतलब बहुत चौड़ी भी है और बहुत प्लेन भी है, स्मूथ भी है, मटेरियल अच्छा लगा हुआ है, ये मैं कह सकता हूँ। और ये यहाँ पे आप सुंदर सी घाटी को देख सकते हैं, नंदप्रिया घाट, बहुत ही खूबसूरत जगह है यहाँ पे। तो हम पहुँच चुके हैं यहाँ नंदप्रयाग में, और एक दृश्य, एक नज़ारा, जो मनमोहक नज़ारा आप देख सकते हैं, कितना सुंदर है। नंदप्रयाग घाट को क्रॉस करके हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, और बाकी व्यू अच्छा है, मौसम अच्छा है, बस मेरी तबीयत ख़राब है, पता नहीं क्यों, वैसे तो कभी होती नहीं गाड़ी में ख़राब, बट मुझे लग रहा शायद काफ़ी टाइम बाद, 6-7 महीने बाद मैं लंबा ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, इसलिए हो रहा है। सो दोस्तों, अभी हम श्रीनगर से पहले और धारी देवी माता का जो मंदिर है उसके बाद हम रुके हैं एक होटल में, और यहाँ पे हम खाना खा रहे हैं, रोटी सब्जी दाल खा रहे हैं। तो खा लेते हैं, कुछ तबीयत ख़राब है, शायद इससे ठीक हो जाए, इसके बाद में दवाई। तो दोस्तों, अभी जो है हम श्रीनगर पहुंचने वाले हैं, और मैंने अभी तक वीडियो बनाई नहीं थी सुबह से स्टार्टिंग से, क्योंकि उसके बाद मेरी हालत बिल्कुल मरने जैसी हो गई थी, वॉमिटिंग हुई मुझे दो बार, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हमारे साथ है प्रदीप भाई, ये बहुत खास है, बाद में बताऊँगा। और ये इसी चौहान, रीना चौहान, जैक ब्योमा है, सीखा है।
तो यहाँ पे अभी हमने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया है। आज ऋषिकेश रुकेंगे ये लोग, मुझे तो देहरादून जाना है और ईश्वर सिंह चौहान भैया के साथ मैं देहरादून जाऊँगा और देहरादून में स्टे करेंगे। हम लोग कल आज सुबह हम इतनी हैवी स्नो देख के आए ना ओली से, बिल्कुल मजा आ रहा है। कल ऋषिकेश में मिलेंगे। और ये अभी हम काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं, व्यासी पे हम पहुंचे हैं। यहाँ से लगभग 1 घंटे का रास्ता है ऋषिकेश पहुंचने के लिए। और धूप जो है, मतलब काफ़ी गर्मी हमें महसूस हो रही है जोशीमठ के अकॉर्डिंग। फाइनली ऋषिकेश देवभूमि के सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट। जय श्री राम, जय हनुमान। तो काफ़ी सुंदर जगह है ऋषिकेश, यहाँ मतलब नज़ारा देखते ही बनता है। राम झूला, लक्ष्मण झूला। और यहाँ ऋषिकेश तो पहुँचते ही आप देखिए ट्रैफिक का सामना हमें करना पड़ रहा है और धूप भी काफ़ी, मतलब हमें तो गर्मी महसूस हो रही है बहुत ज़्यादा जोशीमठ के अकॉर्डिंग। और ये काफ़ी खूबसूरत रास्ता ऋषिकेश और देहरादून के बीच का काफ़ी सुंदर है, जंगल से भरा हुआ है, पेड़ से भरा हुआ है और अच्छा लगता है, महसूस अच्छा होता है। फ्रेश एयर जो हमें मिलती है इसी रूट में सबसे ज़्यादा मिलती है। और ये हमने डोई वालों को क्रॉस कर लिया है और यहाँ से सबसे पहले हम हर्रा वाला के साइड पहुँचेंगे, बाला वाला के साइड। फिर मुझे तो मौकमपुर उतरना है आज, तो फ़िलहाल व्यू अच्छा है और काफ़ी चेंज मुझे नज़र आ रहा है क्योंकि मैं 3 से 3.5 साल बाद देहरादून में आया हूँ। और फाइनली मैं मौकमपुर में अपने ताऊजी के घर पहुंच चुका हूं और मैंने आसपास देखा छत में चढ़ के, तो विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि 3 साल पहले ऐसा कुछ था नहीं, इतनी बड़ी बिल्डिंग है। तो अब ये चेंज हो गया था, पहचाना। हाय गाइस, बस सेंट्रल अमेरिका बना था मेरा आंसर। अरे तेरे को याद ही नहीं है, कभी सेंट्रल एशिया बोल रहा, कभी सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया। राइटिंग अच्छी बना, ठीक है। पहले तू तो ऐसे मारता है कि जैसे चींटियां लाइन पे चल रहे थे, तूने दबा दिया। ऐसे नहीं भाई, क्यों लड़ रहे हो भाई तुम दोनों? क्या गुड नाइट चैनल को सब्सक्राइब करें, गुड नाइट चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।